मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से बनानी है, एंड मेरी जिंदगी को मेरे हिसाब से बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, ये छोटी सी लर्निंग ने सब कुछ बदल दिया। दूसरी छोटी सी लर्निंग, किसी ने मुझे कहा 2018 में, ऑनलाइन का जमाना है भूपेंद्र, वेबिनार कर। मैंने कहा वेबिनार कौन करता है यार, वेबिनार में वो फीलिंग कहां जो लाइव सेशन में। लाइव सेशन में अभी गाना बजेगा, सब उठेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा लाइव में जो मजा है ना, वो मजा नहीं है वेबिनार में। दो तीन दिन तो मैंने इग्नोर किया, चौथे दिन मेरे माइंड में आया यार एक बार करके तो देखते हैं, और करके देखा तो यू नो व्हाट, सब कुछ बदल गया। आप में से कितने लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे करना शुरू करें, और जो कर रहे हैं उसको और तेजी से करना शुरू करें, और आप जो कर रहे हैं उसको 100 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन की लिमिट नहीं है। जिस दिन आपको प्रोसेस पता चल गया और प्रोसेस के हिसाब से आपने काम करना शुरू किया, कैन यू ग्रो फास्ट? एब्सोल्युटली। मुझे दौड़ना आता है, मैं दौड़ लूंगा, लेकिन कितना दौड़ पाऊंगा? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे प्रोसेस पता चल जाए कि ओलंपिक में कैसे दौड़ते हैं, उसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं, और उसका 90% चांसेस कैसे बनते हैं, तो कैन आई गो प्रोबेबली टू द नेशनल लेवल? माई फ्रेंड, वो यू नो, दो गर्ल्स थी मेरे साथ में, उन दोनों का मैं बताता हूं। दोनों पैरालाइज्ड बचपन से ही, एक को पांव में पोलियो हो गया था, और एक को भी बचपन से शायद एक टांग छोटी थी या क्या रीजन था, तो दोनों लंगड़ा के चलती थी। राइट? दोनों लंगड़ा के चलने के बाद, एक तो दिल्ली की है और एक गुजरात की है, एक लड़की इतनी ज्यादा नेगेटिव उनमें से कि पूछे मत, कि कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बेकार है, आई कान डू एनीथिंग। जॉब करती है, अच्छी खासी जॉब करती है, लाख रुपया कमा लेती है जॉब से, टैलेंटेड है, लेकिन इतनी नेगेटिव कि हर बार वो यही सोचती रहती है मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज वो 40-45 की हो गई है, एंड शी इज लाइक दैट। सेकेंड गर्ल, उसने कहा अपनी जिंदगी को मुझे बनाना है, बहुत ज्यादा बनाना है। शी वॉज, आज से 12 साल पहले, जब से मैं उसे जानता हूं, शी इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। तो उसने पहले दौड़ना शुरू किया, फिर साइकिलिंग करना शुरू किया, उसने हर कर चीजें करना शुरू की है, फिर उसने ट्रायथलोन किया। ट्रायथलोन का मतलब होता है 10 किलोमीटर का साइकिलिंग, 20 किलोमीटर का मतलब सॉरी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का साइकिलिंग, 4 किलोमीटर का स्विमिंग और दौड़, ये तीनों चीजें एक साथ करनी होती है, और बहुत ही खतरनाक कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद उस लड़की ने करते करते एक दिन, आज से करीब 4 साल पहले, हम साइकिल रैली कर रहे थे पुणे से दिल्ली, तो गुजरात में उसने हमारे साथ 100-150 किलोमीटर साइकिलिंग की, और साइकलिंग उसने हमारे साथ शुरू की। उस समय उसने मुझसे, मैंने कहा आप करना क्या चाहते हो, तो बोलती है मुझे है ना पैरालिंपिक्स में जाना है, पैराओलंपिक्स में जाना है। बोली मैं उसकी तैयारी कर रही हूं। कल रात को मैंने उसका पोस्ट देखा या परसों देखा, उसने मैसेज डाला कि पैरालिंपिक्स के क्वालिफायर में वो पार्टिसिपेट किया है उसने, और 500 लोगों की साथ उसने ये सारी प्रतियोगिताएं की। अब ये दोनों में फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और एक ने अपनी जिंदगी को सुपर स्टार लेवल पे पहुंचा दिया है। क्या रीजन है? उसकी बुक्स लिखी जाती है, मैंने उसको मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, हमारे किसी पॉडकास्ट में उसको बुलाया है प्रॉपर। अरे वो है ना, एक जेसिका कॉक्स करके लड़की है, कितने लोगों ने नाम सुना है? सौरभ, अगर वो जेसिका कॉक्स की फोटो लगा सकते हो तो लगाओ, उनको भी मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया। वो लड़की है जो बचपन से, जिसके हाथ नहीं है, लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसी लड़की है जो कि एरोप्लेन उड़ाती है। क्या उड़ाती है? हाथ नहीं है जेसिका कॉक्स के, लेकिन उसके बावजूद भी एरोप्लेन उड़ाती है। शी इज द ओनली फीमेल पायलट। अब एक मिनट के लिए सोचिए, जेसिका कॉक्स को क्या समझ में आ गया और आपको क्या समझ में नहीं आया? एक साधारण आदमी को क्या समझ में नहीं आता और एक जेसिका कॉक्स जैसी लेडी को क्या समझ में आता है, ये समझिएगा। जेसिका कॉक्स को ये समझ में आ गया कि यार पूरी दुनिया मुझे किस नजर से देख रही है, बेचारी है, शी डजंट नो मच, शी डजंट हैव मेनी थिंग्स, ओ इसके तो बेचारी के हाथ ही नहीं है। जेसिका कॉक्स जब ये कर रही थी तो बचपन में, दिस इज माई इंटरव्यू विद हर, जेसिका कॉक्स बचपन में अपनी माता जी से सवाल करती थी, माँ मेरे हाथ क्यों नहीं है? तो अब उसकी माँ जो थी ना, वो उसकी पहली गुरु बनी, और मां ने कहा बेटा तेरे हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि तुझे हाथों की जरूरत ही नहीं है, तुझे हाथों की जरूरत ही
नहीं है। अब जेसिका कॉक्स छोटी बच्ची थी, उस समय 3-4 साल की थी। जेसिका मानने को तैयार नहीं, तो माँ ने एक दिन क्या किया, स्कूल में एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा था, एंड उस ऑडिटोरियम के प्रोग्राम में उसने जेसिका को आगे किया और जेसिका ने जैसा आता था वैसा डांस किया वहां। और जो भी डांस किया जेसिका ने, उस डांस के बाद सभी लोगों ने उसको खड़े होकर तालियां बजा दी उसके लिए। अब 3-4 साल की बच्ची का हौसला बढ़ गया कि वाओ, ये तो काम करता है, वाओ ऑसम, इट इज रियली वर्किंग। अब जेसिका ने धीरे धीरे सब कुछ करना शुरू किया, चूंकि हाथ ही नहीं है तो कंधा किससे करना पड़ता, पांव से। वो अपने आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस किससे लगा दिए, पांव से। उसने गिटार बजाना शुरू किया किससे, पांव से। क्या रीजन हुआ कि जेसिका कॉक्स की ये सारी चीजें होने के बावजूद ये लड़की इतनी इंस्पायरिंग हो गई। एक दिन कार चला ली इसने, अपनी मां को बोला मुझे कार चलाना सिखाइए। इसने कार चलाना शुरू किया और फिर इसके माइंड में आया, जब मैं कार चला सकती हूं तो मैं एरोप्लेन भी उड़ा सकती हूं। क्या समझ में आया, एंथुजियाज्म अलाइव होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। और है सारा खेल माइंड का है। क्या बोल रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखो।